नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है निखिल कुमार। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एब्रेसिव जेट मशीनिंग के बारे में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही में नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दें ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल पाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वेलकम टू वीडियो नंबर 7, एब्रेसिव जेट मशीनिंग। जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, इसके नाम से एब्रेसिव जेट मशीनिंग के नाम से इसमें हम एब्रेसिव पार्टिकल का यूज़ करते हैं मशीनिंग करने के लिए। तो सबसे पहले हम इसका लेआउट देखते हैं, लेआउट कैसा होता है। तो यहाँ पर हमारा कंप्रेसर लगा होता है। क्या लगा होता है दोस्तों? यहाँ पर कंप्रेसर लगा होता है। ये क्या होता है? हमारा कंप्रेसर होता है। और कंप्रेसर का क्या काम होता है? यहाँ से तुम्हारा एयर इन होती है और यहाँ से एयर आउट होती है। तो कंप्रेसर का काम क्या होता है? एयर को कंप्रेस करता है ना, इसके प्रेशर को बढ़ाता है। तो यहाँ से जो कंप्रेस एयर होती है, कंप्रेस जो एयर होती है, ये जाती है तुम्हारी प्योरीफायर के अंदर। किसमें जाती है दोस्तों? ये जाती है तुम्हारी प्योरीफायर के अंदर। और प्योरीफायर का काम क्या होता है? जो भी तुम्हारी कंप्रेस एयर में जिसकी भी गंदगी वगैरह होती है उसको प्योरीफाई करता है। और प्योरीफाई एयर होने के बाद ये जाती है यहाँ पर तुम्हारा ड्रायर के अंदर। ये जाती है यहाँ पर, कहाँ जाती है दोस्तों? ये जाती है तुम्हारा ड्रायर के अंदर। और ड्रायर का काम क्या होता है? ये आ गई तुम्हारे ड्रायर के अंदर। ड्रायर का काम क्या होता है? जो भी जो प्योरीफाई एयर आई है इसके अंदर जितना भी मॉइस्चर वगैरह होता है तो उसको निकाल देती है। तो जब ड्रायर के पास पहुंच जाती है, इसके बाद ये यहाँ से निकल के जाती है तुम्हारी प्रेशर रेगुलेटर के। यहाँ पर लगा होता है तुम्हारा प्रेशर रेगुलेटर। यहाँ क्या लगा होता है? प्रेशर रेगुलेटर। प्रेशर रेगुलेटर का काम क्या होता है? प्रेशर को रेगुलेट करता है, जितनी भी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से रेगुलेट करता है प्रेशर को। यहाँ से प्रेशर रेगुलेट के बाद यहाँ से जो एयर जाती है तुम्हारी, यहाँ पर एक चैम्बर होता है, मिक्सिंग चैम्बर, जिसे हम क्या बोलते हैं? मिक्सिंग चैम्बर। मिक्सिंग चैम्बर होता है यहाँ पर, प्रेशर रेगुलेटर के बाद मिक्सिंग चैम्बर में जाती है। मिक्सिंग चैम्बर जो कनेक्ट होता है, ये तुम्हारा कनेक्ट होता है यहाँ पर वाइब्रेटर से। किससे कनेक्ट होता है दोस्तों? वाइब्रेटर से। और इसके ऊपर ये हूपर लगा होता है। यहाँ पर क्या लगा होता है दोस्तों? हूपर लगा होता है। तो इसकी काम कैसे करता है? यहाँ पर तुम्हारे एब्रेसिव पार्टिकल्स होते हैं। जब हम एब्रेसिव पार्टिकल को अंदर की तरफ इसके अंदर डालते हैं, ये सब एब्रेसिव पार्टिकल हैं। ये सब जब अंदर की तरफ आते हैं इसके अंदर, ये क्या है? एब्रेसिव पार्टिकल। दोस्तों जब यहाँ से आपका जो एयर गई, यहाँ से यहाँ गई, यहाँ से ये, यहाँ से यहाँ आई, यहाँ से यहाँ आई, और यहाँ से ये यहाँ जाता है। तो जितना भी जैसे भी जो प्रेशराइज एयर होती है, ये इसके अंदर मिक्सिंग चैम्बर के अंदर जब जाती है, और इधर से एब्रेसिव पार्टिकल हम ऊपर से डालते हैं, और इधर से प्रेशराइज एयर जब डालते हैं, तो इसके अंदर जो एब्रेसिव पार्टिकल और जो एयर होती है अच्छी तरीके से मिक्स होती है। और मिक्स किसकी वजह से होती है? ये वाइब्रेटर की वजह से। यहाँ पर जो वाइब्रेटर लगा होता है, इसकी वजह से अच्छी तरीके से मिक्सिंग चैम्बर के अंदर मिक्स होती है। जब अच्छे तरीके से मिक्स हो जाती है तो यहाँ से ये निकलती है, और यहाँ से जब ये निकलती है तो यहाँ लगा होता है आपका एक नोज़ल। क्या लगा होता है दोस्तों? एक नोज़ल लगा होता है। ये आपका हो गया नोज़ल, ये नोज़ल हो गया। और नोज़ल किस में बंद होता है? ये एक तुम्हारा क्लोज चैम्बर के अंदर होता है। किसके अंदर होता है दोस्तों? एक क्लोज चैम्बर के अंदर होता है। तो यहाँ रखा होता है आपका वर्क पीस, कुछ इस तरीके से। ये आपका वर्क पीस हो गया। ये क्या हो गया? वर्क पीस। ये क्या हो गया आपका? नोजल। जब ये एब्रेसिव पार्टिकल और एयर जब अच्छी तरीके से मिक्स होने के बाद यहाँ से जब आती है नोजल के अंदर, तो यहाँ पर एक निकलता है लास्ट में, यह निकलता है एक एब्रेसिव जेट। इसका वो बोलते हैं हम एब्रेसिव जेट। और इसमें क्या होती है? हाई काइनेटिक एनर्जी का निकलता है ये। तो ऊपर से इतनी तेजी से निकलता है यहाँ पर
इस वर्क पीस के ऊपर, तो यहाँ पर क्या होता है, कोलिजन हो जाता है पार्टिकल्स का, क्या होता है, कोलिजन होता है, जिसकी वजह से ये बाउंस बैक होने लगते हैं, पार्टिकल जो भी होते हैं ना ये वापस लौटने लगते हैं, इतनी तेजी से निकलता है ये एब्रेसिव जेट। तो इसीलिए हम इसको क्लोज चैम्बर के अंदर रखते हैं, ताकि जो भी ऑपरेटर होता है अपना, जो भी जो अपना ऑपरेटर होता है उसको नुकसान ना हो, उसको नुकसान ना हो, इसके लिए इसको हम क्लोज चैम्बर के अंदर रखते हैं। क्योंकि जब एब्रेसिव पार्टिकल इतनी तेजी से नीचे टकराते हैं इस वर्क पीस पे, तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी की वजह से, हाई काइनेटिक एनर्जी की वजह से कोलिजन होता है, तो जो पार्टिकल होते हैं ये बाउंस बैक होने लगते हैं भाई, इधर उछड़ने लगते हैं, कभी इधर भागते हैं कभी इधर भागते हैं। तो इसीलिए उससे नुकसान ना हो ऑपरेटर के लिए, ऑपरेटर को, इसीलिए हम इसको क्लोज चैम्बर के अंदर रखते हैं। और जब पार्टिकल धीरे धीरे इसमें पड़ता रहता है, तो यहाँ पर इरोजन हो जाता है, और इरोजन की वजह से यहाँ पर क्या होता है, पहले मैटर क्या होता है, रिमूव हो जाता है ना। तो इसमें कुछ कुछ बातें जो ध्यान रखने वाली बातें हैं वो क्या क्या हैं, देखो ये तुम्हारा नोजल होता है, नोजल, सबसे पहले हम बात करते हैं नोजल के बारे में। नोजल, ये आपका नोजल किसका बना होता है, ये आपका नोजल टंगस्टन का बना होता है, ताकि जो पार्टिकल वगैरह है वो इरोड ना हो सके जो भी है ना, उसके लिए टंगस्टन का नोजल बना होता है। और नोजल का जो इनलेट डायमीटर होता है, नोजल का इनलेट डायमीटर, ये नोजल का जो इनलेट डायमीटर होता है ना, अंदर का जो डायमीटर होता है इनलेट डायमीटर, ये कितना होता है आपका, 0.18 mm से 0.80 mm तक होता है। अगर हम यहाँ पर एयर की जगह गैस का यूज करें, किसका यूज करें हम, एयर की जगह अगर हम गैस का यूज करें, तो गैस कौन सी वाली गैस का यूज करेंगे हम, नाइट्रोजन का यूज करते हैं हम और CO2 का यूज करते हैं। और जो जितना गैस का जो प्रेशर होता है वो कितना रखते हैं, गैस का प्रेशर को हम 2 to 8 kg सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर स्क्वायर, इतनी हम गैस गैस के प्रेशर का यूज करते हैं। अगर हम एयर की जगह गैस लेंगे तो इतने गैस का प्रेशर का यूज करते हैं हम। और इसमें जो एब्रेसिव पार्टिकल्स हैं, एब्रेसिव पार्टिकल्स ये 10 to 40 माइक्रोन, एब्रेसिव पार्टिकल्स का यूज करते हैं उसका क्या होता है, 10 to 40 माइक्रोन। और एब्रेसिव जो मटेरियल का यूज करते हैं हम इसमें, एब्रेसिव मटेरियल का जो यूज करते हैं वो कौन से होते हैं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और सिलिकॉन कार्बाइड का, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और सिलिकॉन कार्बाइड और सोडियम बाइकार्बोनेट, इसका हम एब्रेसिव मटेरियल का, ये वाले में एब्रेसिव मटेरियल का यूज करते हैं। और इसकी एब्रेसिव पार्टिकल की वेलोसिटी होती है 200 to 400 m/s होती है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, ये वर्कपीस और ये नोजल है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है वो क्या है, तुम्हारा वर्कपीस और नोजल, सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, वर्कपीस और नोजल, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, स्टैंड ऑफ डिस्टेंस बोलते हैं। ये तुम्हारा वर्कपीस हो गया, ये तुम्हारा नोजल हो गया, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है, इसको बोलते हैं हम स्टैंड ऑफ डिस्टेंस। और जनरली ये कितनी होती है तुम्हारी, 0.7 to 10 mm तक लेते हैं हम, लेकिन ये वेरी करती रहती है अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट के हिसाब से, ये वेरी करती रहती है। और इसमें हम इसका जो वर्क रिमूवल रेट जो होता है वो किस पर डिपेंड करता है, वर्क रिमूवल रेट किस पर डिपेंड करता है, पहला तुम्हारा एब्रेसिव पार्टिकल के ऊपर, एब्रेसिव पार्टिकल के ऊपर ऊपर डिपेंड करता है, और दूसरा तुम्हारा फ्लो रेट के ऊपर डिपेंड करता है। ये थे इसके कुछ पॉइंट्स,
वीडियो कैसी लगी आप मुझे नीचे कमेंट में बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, हेल्पफुल लगी हो, तो इसको लाइक शेयर जरूर करें। साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।